इस राज्य में 3.5 करोड़ जनता है, आप सब मिलाकर सबके कुछ ना कुछ आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं और समस्याएं बनती रहेंगी, समस्या का समाधान भी होता रहेगा। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उनके प्रति भी सरकार ये गूंगी बहरी की सरकार नहीं है। तो राजनीतिक लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। देखिए आज कैबिनेट में बहुत लंबे चौड़े प्रस्ताव आए, 50 से भी अधिक प्रस्ताव आज हम लोगों ने पारित किए और काफी महत्वपूर्ण, जैसे कि हर कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय लिए हैं और शायद आप लोग तो गवाह हैं, लेकिन आप लोग उसको कैसे देखते हैं वो आप लोग पर निर्भर करता है और कैसे लोगों को दिखाते हैं वो भी आप लोग पर निर्भर करता है। ये डबल इंजन की सरकार में और इस गठबंधन सरकार में प्रोजेक्ट भवन के अंदर और इसके परिसर में यहाँ के कर्मचारी हो या किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, प्रोजेक्ट भवन के कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो या राज्य के आम नागरिक हो, सभी लोग आते हैं जाते हैं और उनसे आप लोग को सवाल जवाब करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको स्पष्ट पता चले कि सरकार की गतिविधियां, सरकार के कार्य राजहित में कितनी मजबूती और ईमानदारी के साथ कर रही है। आज विदेशों में बच्चों को भेजने का जो हम लोग का 25 छात्रों को भेजने का हम लोग का निर्णय था, आप 25 से बढ़ा करके हम लोगों ने 50 छात्र कर दिया, जहां अब 50 बच्चों को हर साल विदेशों में पढ़ने के लिए भेजेंगे। सर उर्दू उसके अलावा नेतरहाट के तर्ज पर आपने देखा कल हम लोगों ने इसका आधारशिला भी रखा, पूरे राज्य में 3 स्कूल या 4 स्कूल 3। आज जितने भी राज्य में किसी भी विभाग में प्रमोशन को लेकर, एमएसपी को लेकर, वर्दी को लेकर के और भी तरह तरह की जो समस्या है उनके लिए हम लोगों ने आज कैबिनेट में यह निर्णय लिया है कि उच्च स्तरीय कमिटी बनेगा जिसमें रिटायर्ड जजेस रहेंगे, राज्य प्रशासनिक रहेंगे, केंद्र प्रशासनिक पदाधिकारी के भी लोग रहेंगे और इंजीनियर के भी लोग, इंजीनियर डिपार्टमेंट के भी लोग रहेंगे, शिक्षा विभाग के भी लोग रहेंगे और इमीडिएटली जितना जल्द से जल्द ये कमिटी उन सभी विसंगतियों को स्टडी करके सभी विभागों का जल्द से जल्दी उपलब्ध कराए ताकि हम लोग निर्णय जल्दी से जल्दी। देखो राजनीतिक लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है और हम लोग उसी पर विश्वास करते हैं और उसी कार्य करते हैं जो काम को का एहसास आम लोगों तक हो, उसका लाभ उन लोगों को मिले। सर पंचायत सचिवालय संघ का कैबिनेट से पास हो गया था, मांग जो है मांग से कई मांग भी स्टे लगा हुआ है, वो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आज भी आए हुए हैं। इस राज्य में 3.5 करोड़ जनता है, आप सब मिलाकर सबके कुछ ना कुछ आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं और समस्याएं बनती रहेंगी, समस्या का समाधान भी होता रहेगा। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उनके प्रति भी सरकार ये गूंगी बहरी की सरकार नहीं है, ये सरकार की आंख भी है, कान भी है, नाक भी है और धड़कने भी है,
जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस राज्य के भावनाओं को समझती है, पहचानती है और उसके अनुरूप कार्य करती है।